हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मारुति कार के बारे में। आज मैं आपको अपनी मारुति सियाज मॉडल, डीजल मॉडल ZDI, उसको मैं हाईवे पे रन करके दिखाने वाला हूँ। और मैं दिखाने वाला हूँ कि वो कितनी स्पीड तक कंफर्टेबल फील कर सकती है गाड़ी जो वाइब्रेट नहीं होती। तो आज मैं अपने व्लॉग में यही दिखाने वाला हूँ कि कितनी स्पीड तक आपकी गाड़ी स्टेबल रहेगी, उससे आपको चलाने में कंफर्ट फील होगा और कितनी स्पीड के बाद आपको वाइब्रेट फील होने लगेगी। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बाय रिटर्न दिखाने वाला हूँ कि कितनी स्पीड तक मैंने गाड़ी चलाई और कब तक मुझे कम्फर्ट फील हो रहा था और कितनी स्पीड के बाद मेरी गाड़ी वाइब्रेट कर रही थी। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और सबसे एक और बात, थैंक यू फॉर माय व्यूअर्स जो आप मेरी वीडियोस देखते हैं। आई नो आई एम नॉट अ सच अ बिग यूट्यूबर, बट आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं आप लोगों को कुछ अच्छा दे सकूं। और आगे मैं बहुत जल्दी आपको फिटनेस पे भी बहुत सारी वीडियोस दिखाने वाला हूं। बट आज का टॉपिक जो है वो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है। तो चलिए मैं आपको अपनी वीडियो में दिखाता हूँ कि कितनी स्पीड तक सियाज गाड़ी स्टेबल रहती है और कितनी स्पीड के बाद वो वाइब्रेट होती है रोड पे। और मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको फॉक्सवैगन की MU और ऑडी और मर्सिडीज़ का भी रिव्यू देने वाला हूँ, बट फ़िलहाल के लिए सियाज। तो चलिए देखते हैं मेरी वीडियो में।